राष्ट्रीय ट्रक ऑपरेटर वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा दिल्ली की तमाम ट्रांसपोर्टेशन का ट्रांसपोर्ट व्यवसाय में आने वाली समस्याओं पर संयुक्त बैठक की गई। दिल्ली ही नहीं बल्कि तमाम दिल्ली में व अन्य राज्यों के ट्रांसपोर्टरों की यूनियन को इस बैठक में बुलाया गया। साथ ही आपको बता दें कि आने 1 अक्टूबर से ट्रांसपोर्टरों के ऊपर परेशानियां का बोझ पड़ने वाला, जिसके चलते 17 सितंबर को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कि तमाम ट्रांसपोर्ट यूनियन के लोग मौजूद रहे, जिन्होंने अपनी लड़ाई लड़ने की ठानी है, जिसके चलते तमाम यूनियन के लोगों ने अपनी अपनी समस्या पर अपनी बातें रखी। साथ ही इस संयुक्त बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में राकेश सिन्हा, राज्यसभा सांसद श्री संजय म्युखजी, प्रीति अग्रवाल पूर्व मेयर और प्रेम शुक्ला प्रवक्त बीजेपी से मौजूद रहे। साथ ही बैठक का आयोजन मोहन सिंह, मन्नू अरोड़ा, प्रदीप गर्ग द्वारा इस बैठक का आयोजन किया गया। इसमें इनकी मुख्य जो मांगे हैं उन पर विचार किया गया। यूरो 6 गाड़ियां जो कि नॉन पॉल्यूशन है, और ग्रीन टैक्स की अवैध वसूली करना, इंश्योरेंस में लगातार बढ़ोतरी होना, अधिक टोल प्लाजा का होना, मनमाने तरीके से टोल वसूली करना, दिल्ली में ग्रीन टैक्स के नाम पर लूट बाहर करना, एक्सप्रेसवे पर पार्किंग और जलपान की जनसुविधा प्रॉपर ना होना, आरटीओ डीटीओ ट्रैफिक पुलिस द्वारा ऑनलाइन चलान की आड़ में भ्रष्टाचार होना, पेट्रोल पंप और सीएनजी की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी होना, एस्पार्ट टाइम मोबाइल ऑयल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी होना, पुरानी गाड़ी का एनजीटी के दायरे में आने पर स्क्रैप गाड़ी वाले पर नई गाड़ी खरीदने पर जीएसटी खत्म होना चाहिए। वजह कि सरकार हमारी बात सुनती नहीं है, जो हमारी असली मांगे हैं, जायज मांगे हैं, उनको सुनना चाहिए सरकार को। हमारी चाहे वो मांग डीजल के ऊपर है, जैसा कि आप जानते हैं इंटरनेशनल मार्केट में डीजल अब कितना सस्ता हो गया, जब महंगा हुआ था हमने भी सरकार की बात मान ली, चलो महंगा हो गया, लेकिन आज डीजल इतना सस्ता हो चुका है, कम से कम 15 रुपये सरकार को सस्ता करना चाहिए, लेकिन वो सरकार लाभ ना तो लोगों को दे रही है ना ट्रांसपोर्टरों को दे रही है, दोनों का नुकसान हो रहा है। इस पर सरकार ही जिम्मेवार है और तेल कंपनियां भी, मैं तो कहूँगा, जिम्मेवार है जो तेल को सस्ता नहीं कर रही, अपना प्रॉफिट देख रही है। जिस तरह अक्टूबर में हर साल प्रदूषण का एनजीटी का रिजल्ट रहता है, उसको लेकर आप क्या? सरकार ने हमसे ग्रीन टैक्स के रूप में कम से कम 1500-2000 करोड़ रुपये इकट्ठा कर लिया है, लेकिन आज तक सरकार ने क्या किया उस वातावरण को ठीक करने के लिए? मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, क्या वो वातावरण ठीक हो गया? पहले से ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ा है यहाँ पर, तो मैं कहना चाहता हूँ अगर वो हमसे पैसा इकट्ठा किया उसको लगाओ तो सही घर पर, और वो पैसा नजायज इकट्ठा किया है। हमारी गाड़ी यूरो 6 भी है, यूरो 4 भी है, वो धुआं ही नहीं मारती, सीएनजी की गाड़ियां हैं वो धुआं नहीं मारती, तो कहने का मतलब ये सरकार नजायज कर रही है हमारे साथ, और ये बिल्कुल गलत हो रहा है, ट्रांसपोर्टर को हर तरह से लूटा जा रहा है। सर अभी अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सुरेंद्र लाकड़ा है और मैं ऑल इंडिया भाईचारा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ, और हमारी एसोसिएशन बहुत ही अच्छा से कार्य कर रही है, और हमारा उद्देश्य है कि भ्रष्टाचार मुक्त परिवहन विभाग। क्या कुछ समस्याएं हैं? समस्याएं तो बहुत सारी हैं, समस्याएं गिनाने चलेंगे तो इतनी है कि हमारा पास समय भी कम पड़ जाएगा। क्या लगता है कि कुछ समस्या? अभी तो देखो, अभी तो इन्होंने करना पड़ेगा, क्योंकि अब हम सब भाई एकजुट हो चुके हैं, जो कि कभी नहीं हुए थे। आज हमारे मंच पर ऑल इंडिया मोटर कांग्रेस से लेकर, और मतलब जितनी भी दिल्ली की तमाम मोटर ये अपनी एसोसिएशन है, वो सभी हैं। और आज का मुख्य उद्देश्य था कि हम सारे ट्रांसपोर्टेशन के लोग एक छत के नीचे आज ये मीटिंग करा, देश के दिल कनॉट प्लेस के अंदर कंसर्न क्लब में, और मुख्य उद्देश्य यही था कि हम इस लड़ाई को मिलकर लड़ें, और मिलकर लड़ने का उद्देश्य ये रहा कि आज हमने सरकार से भी बात करी, सरकार के भी नुमाइंदे हमारे बीच में रहें, जिन्होंने हमारी बात को सुनी, और जो हमने पॉइंट बाय पॉइंट लिख के दिया है ये बात सरकार तक पहुंचाई जाएगी और सरकार हमारी बात को सुनेगी। कहां से लोग आ गए थे? आज हमारे पास पूरी दिल्ली NCR से लोग आए हुए हैं, पानीपत से भी आए हुए हैं, राजस्थान से आए हुए हैं, हरियाणा से आए हुए हैं। क्या कुछ लगता है कि सरकार आपकी बात सुनेगी? इस बार सरकार हमारी बात सुनेंगे, क्यों कि सरकार के साथ भी हम संवाद कर रहे हैं, सरकार से हम लड़ाई के मूड में नहीं है, सरकार के संवाद के मूड में, और संवाद जहाँ होता है वहाँ को इनको हल निकलता जरूर है। सर काफी नेता भी आए थे, आपको सुन के देकर भी है? बिल्कुल गए हैं, सरकार नेता भी आए, नेता नहीं थे हमारे भाई थे वो, और भाइयों वाली बात रखे हैं, नेता तो आते चले जाते हैं, लेकिन जो भाई वचन दे गए कि हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे, हमारी लड़ाई लड़ेंगे। मन्नू अरोड़ा, जनरल सेक्रेटरी राष्ट्रीय ट्रक ऑपरेटर वेलफेयर एसोसिएशन से। भी ट्रांसपोर्ट यूनियंस हैं वो अपने मेंबर्स के साथ में यहाँ पे पहुँची और उसको संयुक्त बना दिया गया है, क्योंकि अभी जो है ट्रांसपोर्टर के पास बिल्कुल भी दम नहीं रहा कि वो अपनी गाड़ियां आगे चला सके, क्योंकि CNG पेट्रोल डीजल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है,
और अभी पीछे कच्चा तेल कम हुआ, उस कम होने के बाद भी, क्रूड तेल कम होने के बाद भी हमारे जो इसके डीजल के रेट थे, पेट्रोल मंत्री ने बिल्कुल भी कोई हमारी सुनवाई नहीं करी। हमने लेटर भी दिए उसके बावजूद भी कोई सुनवाई, उनका कोई जवाब नहीं आया। ट्वीट भी करे कोई जवाब नहीं आया, और वो कम नहीं करे, बढ़ता है बढ़ा देते हैं, कम होता है तो कम नहीं करते। तो आज आप लोगों के चैनल के माध्यम से हम ये सरकार को बता देना चाहते हैं कि अब ट्रांसपोर्टर परेशान हो गया है, वो अपनी गाड़ियां खड़ी करने को मजबूर हो गया है, चाहे वो रोड पे खड़ी हों चाहे वो उनके ट्रांसपोर्ट पे खड़ी हों। इसलिए हम इकट्ठे होकर अब इसको आगे आंदोलन के रूप में, अभी हमने दिल्ली से कश्मीर तक जाने का एक ट्रांसपोर्ट जागो अभियान भी चलाया है, वो भी आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा रोडों के ऊपर। लाखों गाड़ियाँ जब यहाँ से दिल्ली से कश्मीर जाएंगी आपको वो भी दिख जाएंगी रोड के ऊपर। मानते हैं कि सरकार को इससे कुछ फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा सरकार को, और नहीं पड़ेगा तो अब हम अपना हक छीन के लेंगे सरकार से। अब जो है बिल्कुल भी करो या मरो वाली स्थिति हमारे साथ आई हुई है।